बीजेपी नेता पर हुआ जानलेवा हमला, सांसद महेश शर्मा ने नोएडा पुलिस को दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। भारत के साथ बढ़ती जा रही चिराग की नजदीकियां, हो सकते हैं एनडीए में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन की खुली चुनौती, झारखंड में हो सकता है बड़ा धमाका, बीजेपी जेएमएम में बड़े टकराव के आसार। मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए यूपी में बीजेपी का बड़ा कदम, भूपेंद्र चौधरी ने किया ऐलान। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार, कोर्ट ने मामले में सुनाई सजा। क्या बीजेपी और ठाकरे को एक दूसरे के करीब आने की कोशिश में है, महाराष्ट्र में हलचल तेज। बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत जारी, अब जयंत चौधरी की चिट्ठी का विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब। कनाडा ने चीन को दिया झटका, तीन कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचने का दिया आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लिया फैसला। कम नहीं हो रही एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें, जल्द ही संपत्ति जब्त करेगी ईडी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।